भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक साथ 3 हत्याकांडों का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में की गई है। एसपी ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद ललित यादव की हत्या और बगहा में लूटपाट के दौरान हत्या समेत कई मामलों में पुलिस को इन आरोपियों की कई दिनों से तलाश थी। जो पिछले 2 दिन पहले एक घटना घटी थी, ट्रिपल मर्डर, उसमें एक महत्वपूर्ण हत्याकांड था, ललित यादव हत्याकांड, जो कि पूर्व पार्षद थे और वर्तमान पार्षद के पति थे, उनका हत्याकांड। और बगही में एक मधेपुरा का बच्चा था जो कि बहन को हॉस्पिटल में देकर। तो आपको बता दें कि सुपौल में बड़ी सफलता पुलिस इसे देख रही है, क्योंकि 3 बड़े हत्याकांडों में शामिल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पूर्व पार्षद ललित यादव की हत्या हुई थी और कई लोगों की हत्या में इन अपराधियों की तलाश जारी थी। और ये अपराधी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, यानी कि कई राज्यों में इनका इन्होंने कई कांडों को अंजाम दिया था और कई दिनों से पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी, लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके तहत छापेमारी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सरोज हैं फोन लाइन पर। सरोज, किस तरह से आपको ये पुलिस को यह सफलता मिली है? देखिए, ये सुपौल पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुपौल पुलिस द्वारा अष्टधातु की तस्करी का मामले का उजागर हुआ है और सुपौल पुलिस इसमें जो है सो बहुत हद तक सफलता हासिल किया है और अंतर्राष्ट्रीय अष्टधातु के प्लेट की तस्करी के गिरोह तक। सरोज, क्या ये सभी जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं एक ही गिरोह के बताए जा रहे हैं या फिर अलग अलग गिरोह के अपराधी हैं ये? देखिए, सुपौल पुलिस ने अभी तक 9 अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये 9 अपराधी जो है उसमें अलग अलग हत्याकांड के हैं। 3 अलग अलग हत्याकांड के 9 अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे बड़ा मामला अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी अष्टधातु के से बनी प्लेट की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से मामला जुड़ा हुआ है। 2 अप्रैल को सड़क किनारे 3 लाश मिली थी और उस लाश के उस घटना के जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला और जिसके बाद ये खुलासा हुआ है, जिसमें 2 जो है सो तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सरोज। तो आपको बता दें कि 3 अलग अलग हत्याकांडों में शामिल 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस इन्हें एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है और अभी तक इनसे पूछताछ जारी है, जिसके बाद कई और अपराधियों के गिरफ्तार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।